नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं? आज सितंबर की 16 तारीख है और आज मैं एक ऐसे ये फ्रूट के बारे में बताऊंगी जिसकी की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसमें विटामिन सी, विटामिन B1, B2, B3, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और खूब सारा इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण ये बुढ़ापे के प्रोसेस को जो है स्लो कर देता है। और ये शुगर फ्री होने के कारण शुगर के जो पेशेंट हैं इनको आराम से खा सकते हैं और इनके गुणों का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो ये मोटापे को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करता है, कम करता है, और ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। और दूसरा, ये कैंसर के पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। डेंगू होने पे डॉक्टर लोग इस फ्रूट को खाने की सलाह देते हैं। तो अस्थमा के पेशेंट के लिए भी ये बहुत ही गुणकारी फल जो उनके ये काम की चीज़ है। तो इतने सारे गुण होने के कारण इसे सुपर फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, बोला जाता है। तो ये जो फ्रूट है ड्रैगन फ्रूट, ये श्रीलंका, वियतनाम, इजराइल, थाईलैंड, चाइना, बांग्लादेश, मलेशिया, साउथ अमेरिका में तो खूब पाया जाता है। बट इतना गुणकारी होने के कारण और डिमांड होने के कारण कुछ सालों से इंडिया में भी इसकी खेती की जा रही है। जैसे गुजरात के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, कैलकटा में, और ये महाराष्ट्र में, और हमारे दिल्ली के आसपास जैसे यूपी के ये कौशाम्बी में, और ये यहाँ पे राजस्थान के कुछ हिस्सों में। तो ये उन जगहों के लिए बहुत ही बढ़िया है जहाँ पे बारिशें कम होती हैं, जिन जगहों में, जहाँ फिर जिन लोगों की जैसे बंजर भूमि है, जैसे पत्थर वगैरह ये रहता है और खेती बाड़ी नहीं होती है, तो उनके लिए ये जो फ्रूट का प्लांट है बहुत ही बढ़िया है। और सबसे बढ़िया बात, ये सीड से भी ग्रो हो जाते हैं और ये कटिंग से भी लग जाते हैं। तो और ज़्यादा इनकी केयर भी नहीं करनी पड़ती कोई। आप तो ये सब जानते ही हो कि जो कैक्टस की कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती, और ना ही ज़्यादा इनमें पानी की ज़रूरत होती है, ना ही ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। तो इसे जो प्लांट को है जो पसंद है, ये कोस्टल एरिया में खूब अच्छे से चलते हैं, गर्म मौसम और ह्यूमिडिटी ने पसंद है। बट हमारे इलाके जहाँ पे सूखी गर्मी पड़ती है, अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो वहाँ भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं जहाँ जहाँ लोगों ने इन्हें लगाया है। तो जिन जगहों में बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, तो वो थोड़ा ऐसे फिर छायादार जगह में लगा सकते हैं। तो जो मिट्टी जो इसको है वो जो कैसी पसंद है, वो इसे बालू मिट्टी पसंद है। 5.5 जो pH मिट्टी का होना चाहिए, 5.5 से लेके 7 तक ये अच्छे से ग्रो करता है। और जब अगर आप इसकी मिट्टी बनाते हो, अगर आप खेती करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही फायदे पा सकते हैं। एक तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और दूसरी आप मल्टी क्रॉप ले सकते हैं। तो जब ये ज़्यादा जगह रोकते नहीं हैं, जब एक बारी आप इसे लगा देते हो, तो इसकी प्लांट की लाइफ जो है बहुत लंबी होती है। 25-30 साल तक आप उनसे फ्रूट ले सकते हैं। अगर आप पोली हाउस में लगाते हैं, ऐसे तो इस पे गर्मियों में फ्रूट मिलता ही है, अगर पोली हाउस में लगाते हैं और इसके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, तो फिर आप विंटर में भी इसका फ्रूट ले सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये कि आप फिर साल में 2 बारी इसका फ्रूट ले सकते हैं। तो इसके जो फूल हैं वो मई से जून तक आते हैं, और अगस्त से लेके दिसंबर तक इसका फ्रूट आता रहता है। और लगाना कैसे है आपने तो मैंने सीड से भी बोला, कटिंग से भी। कटिंग से जब हम लगाते हैं तो उसके हमें ये फायदे होते हैं कि प्लांट की ग्रोथ जो है बहुत जल्दी होती है, और 1-1.5 साल में प्लांट जो है फ्रूट देना स्टार्ट कर देता है। और जब हम सीड से ग्रो करते हैं तो सीड से जो है जो उनकी प्लांट्स की ग्रोथ होने में लंबा टाइम लगता है, तो ये तो आप सब जानते ही हैं। तो फिर फ्रूट आने में 4-5 साल भी लग सकते हैं।
तो जरूरी नहीं कि आप फ्रूट के लिए इस प्लांट को लगाएं, अगर आपके पास छोटा गार्डन है तो आप इसे ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर अगर फ्रूट देता है तब तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो इसे जब ये लगाना है हमने, तो मिट्टी इसको कैसी चाहिए? मिट्टी आप जैसे कैक्टस के लिए आप बनाते हैं, उस तरह से आप इसकी मिट्टी बनाएं। और जब आप खेतों में से लगा देते हो तो 10-15 दिन अगर आप पानी नहीं देते हैं तो भी ये चलते हैं, और उसके बाद अगर आप इसके पौधों को जड़ के साथ उखाड़ के 8-10 दिन तक अगर कहीं ग्रो नहीं कर पाते हैं, उसके बाद करते हैं तो भी ये प्लांट फिर हरा भरा हो जाता है, उसके बाद भी हो जाता है। तो ये तो रही फ्रूट की बात कि अगर आप लगाते हो तो, अगर आप ज़्यादा क्रॉप लेना चाहते हैं तो आपको फिर ये करना चाहिए कि जैसे मई और जून में फल सॉरी फूल आने वाले होते हैं, उससे पहले अप्रैल में आप इसमें जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें, कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद का इसमें खूब इस्तेमाल करें, तो इसमें खूब अच्छे रिजल्ट रहेंगे। तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर जो देने की ज़रूरत नहीं है, और जो जैसे हम फ्रूट खाते हैं तो आप जानते ही हो कि केमिकल फर्टिलाइजर का खूब इस्तेमाल उन पे होता है, तो उनके भी कुछ असर रहते हैं हेल्थ के लिए। तो ये फ्रूट जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे बहुत अच्छे से ये इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और प्योर फ्रूट आपको खाने को मिलेगा। तो ये इसके गुणों की बात होगी और ये सब मैंने चीज़ें बता दी, तो अब हम इसे ये बताएंगे कि कैसे ग्रो करना। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आप फ्रूट इसका बेचना चाहते हैं वो तो एक अलग चीज़ होगी कि मुनाफा आप कमा सकते हैं, तो आप अपनी ज़मीन में लगा सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, दूसरी खेती के साथ भी इसे ग्रो कर सकते हैं। बट अगर आपका प्लांट ये 3 साल का जब कटिंग से आप लगाते हो, 3 साल का प्लांट जो मेच्योर हो जाता है, तो उसके बाद आप मदर प्लांट से कटिंग लेके आप अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, और फिर नर्सरी का बिजनेस भी कर सकते हैं, तो उसको नर्सरी को सेल करके भी आप 4 पैसे कमा सकते हैं। तो है ना, इस फ्रूट के कितने फायदे, गुणों से भरपूर तो है ही है, आपके घर की शोभा भी बढ़ा देगा और इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। तो लगाना कैसे है, तो मैं अभी काट के बताऊंगी। ये जो इसकी वैरायटी है, ये 4-5 तरह की वैरायटी में आता है, जो आम तौर पे बाजार में आती है, रेड, येलो और ये वाइट कलर के। तो कुछ में जो ये पल्प है वो वाइट कलर का होता है, और कुछ में रेड कलर का, और छोटे छोटे ब्लैक कलर के सीड होते हैं। तो बुजुर्गों में तो आपने देखा कि गठिया की प्रॉब्लम बहुत आम तौर पे होती है, और आजकल तो छोटी उम्र में भी लोगों में पाई जाने लगी है। तो अगर इस फ्रूट का इस्तेमाल अगर आप अपनी डाइट में हर रोज करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो इसे आप गोलाई से भी काट सकते हैं और लंबाई से भी काट सकते हैं। तो मैं ये आपको दिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी फ्रूट है ये। तो ये जो फ्रूट है ये वाइट कलर वाला है मेरा, तो ये ऐसे दे, ये देखिए, और आप ये अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। ये देखिए, ये बीज देख रहे हैं आप? अब मैं बीज इसके निकाल के मिट्टी में, मैंने कैक्टस वाली मिट्टी बना ली है, मैं उसी में लगाऊंगी, और इसके बीज जो हैं वो 3-4 दिन में आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके स्प्राउटिंग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप इसको उसमें जैसे ये आपका ये पेपर नैपकिन वगैरह में भी, उसमें भी लगा सकते हैं, उसका हल्का सा मॉइस्ट करके जैसे वो पॉलीथीन बैग में उसको डाल के जिप ऊपर से बंद करके, तो स्प्राउटिंग इसकी 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाती है। ये देखा आपने, ये बीज कितना अच्छा है, बहुत ही टेस्टी फ्रूट होता है ये, बहुत ही गुणकारी और बहुत ही टेस्टी। तो मेरे भाई बहन जो जिन जिनके चैनल हैं दिल्ली के आसपास हैं, या दिल्ली से दूर हैं, गर्म इलाकों वाले हैं, तो उनके घर के आसपास या उनके पास जो जगह पड़ी हुई है तो वो अपने घर में ये फ्रूट लगा सकते हैं, और अपने नर्सरी वालों को कह सकते हैं कि अच्छी किस्म के कटिंग ला के दें। जैसे कि हमारे नर्सरी वाले हैं तो उन्होंने बताया कि उनके जहाँ तो कैलकटा से ट्रक भर के आता है, तो अगर आप डिमांड करें नर्सरी में जाके कि इसकी
इसके प्लांट्स ला दें तो वो ला सकते हैं, इजली ला सकते हैं और आप जल्दी जल्दी इसका फ्रूट पा सकते हैं। तो अब हमें इसका ये बीज मैं निकालूंगी और फिर मैं आपको ग्रो करना बताऊंगी। तो ये जैसे हम अडेनियम लगाते हैं ना, वो जल्दी 4 दिन में आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसी तरह से ये आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जैसे मैंने सीड ये इसका निकाल दिया, ये देख रहे हैं जैसे बिल्कुल कीवी के सीड मैंने लगाए थे, तो पोली बैग में भी लगाए थे और मैंने पॉट में भी ग्रो किए थे। तो आप जानती हैं कि मेरे यहाँ का मौसम ऐसा नहीं है कि कीवी लगाया जाए, वो सिर्फ उन जगहों के लिए था जो सर्दी वाली जगहें ठंडी जगहें होती हैं। तो ये तो खैर आप गर्म जगहों में लग जाता है, तो इसलिए मैं इसे ग्रो करूँगी। तो जब इसके प्लांट्स थोड़े बड़े हो जाएँ तो फिर आप उनको एक पोल लगा के, 3-4 जैसे बड़े पोट में ग्रो करते हैं, तो वो तो फिर चलो बाद की बात है, जब ये मेरे प्लांट बड़े हो जाएंगे तो सपोर्ट दे सकते हैं उन पे एक पोल पे। तो इस तरह से ये सीड निकल गया है, ये देखा। तो इनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल काम है अलग से, तो ये पल्प भी थोड़ा सा आ ही जाता है। तो आप चाहे लाल रंग की वेराइटी वाला लगाएं, येलो कलर की या पिंक कलर वाली वेराइटी का लगाएं, गुण जो हैं इनमें सब में एक जैसे ही हैं। कोई सा भी आप लगा सकते हो, किसी भी वैरायटी का लगा सकते हो। तो अगर आपको कटिंग मिल जाती है तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि अगर मेरे को कटिंग मिल जाएगी तो मैं इसे ग्रो करना पसंद करूँगी। तो अब हमने ये जैसे मैंने कैक्टस वाली मिट्टी पूरी मिला ली हुई है, बना ली हुई है, मैंने गार्डन की एक हिस्सा मिट्टी का जो गार्डन की मिट्टी डाली है और 2-3 मुट्ठियाँ मैंने इसमें परलाइट मिलाया है और आधा जैसे एक हिस्सा मिट्टी का मिलाया है और एक हिस्सा मैंने इसमें वो सैंड मिलाई है, रेत मिलाई है और कुछ मैंने ये कोयले के टुकड़े डाले हैं, थोड़े से डाले हैं, कुछ में थोड़े थोड़े से ये पत्थर भी हैं, ये थोड़े से बारीक जैसे ऐसे बड़े बड़े थोड़े ये ऐसे वाले पत्थर भी हैं। तो जैसे मोटी रेत होती है ना, तो अगर आप मिट्टी में लगाना चाहेंगे तो उस तरह के आप मोटी जैसे रेत होती है ना बड़े जो काम की ज़्यादा गिट्टी जैसी होती है, वो उसके टुकड़े भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से फिर पकड़ बना लेंगी। तो बस अब हमें ऐसे बस कर देना है, मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। तो बहुत सारे लोग जो हैं पॉलीथीन बैग से इसे ढक देते हैं ताकि मॉइस्चर ना उड़े और ह्यूमिडिटी बनी रहे। तो ह्यूमिडिटी तो क्या इस मौसम में, तो ह्यूमिडिटी तो है ही, और बस ये ध्यान रखना है आपने कि जो मिट्टी जो आपकी मॉइस्ट होनी चाहिए, सूखनी नहीं चाहिए। और गर्मी इतनी पड़ रही है तो हमें पॉलीथीन बैग मेरे को देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसको ऐसे ही ग्रो करूँगी, बस ऐसे। और बहुत तेज मैं धूप में नहीं रखूँगी, रखूँगी तो छत पे ही, पर यहाँ पे थोड़ी छाया भी रहती हो ऐसे। और जब इसका फूल आना स्टार्ट होता है, फूल जब आता है तो फूल आने के 1 महीने में इसका जो आप फल तैयार फल तोड़ सकते हैं पेड़ से, तो मतलब इतनी जल्दी ये फ्रूट भी देता है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अच्छे देखभाल करते हैं, तो ये जल्दी फ्रूट भी दे सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोला कि 1-1.5 साल में, तो कई लोगों को अच्छे रिजल्ट मिले हैं तो 9 महीने के अंदर, 8-9 महीने के अंदर इसमें फूल आना जो स्टार्ट हो गए हैं ऐसे। तो अच्छी वैरायटी के लगाइए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, इतने गुणों से भरपूर ये प्लांट है। और मेरे को अगर कटिंग मिलेगी तो मैं कटिंग से भी ग्रो करना पसंद करूँगी और ये सीड से तो मैंने ग्रो किया ही है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मेरे भाई बहन जो फ्रूट लगाने के शौकीन है और जिनके बंजर ज़मीन है, बंजर ज़मीन में कुछ कमाना चाहते हैं, तो वो इस प्लांट लगा सकते हैं और कुछ भी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ेगी। आप 10-15 दिन के बाद उसमें पानी दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं दूसरे प्लांट्स को हर रोज़ 2-3 टाइम पानी चाहिए होता, तो इसके प्लांट्स आराम से चलते हैं। और एक बारी जब आप लगा दोगे तो इनकी इतनी लंबी लाइफ होती है कि 25-30 साल तक ये आपको फ्रूट देते रहेंगे। नमस्ते जी, शुक्रिया।